बलरामपुर थाना महाराजगंज तराई पर हवा रेंज में चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात में मुख्य मार्ग महमूद नगर महाराजगंज तराई रोड पर स्थित सैमरी चौराहे के दक्षिण चंद दूरी पर सड़क के किनारे लगा बेशकीमती शीशम के पेड़ को अज्ञात चोरों ने काट डाला। कटे पेड़ नफीस अहमद पुत्र मकबूल निवासी बरद हवा मशूले रोहरौली के दुकान पर जा गिरा, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। चोरों को किसी के आने की भनक लगते ही कटे पेड़ छोड़कर फरार हो गए। जब गुरुवार सुबह नफीस अहमद ने स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस तथा वन विभाग को लिखित तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की। नाम पड़ी आपके? नफीस अहमद, निवासी ग्राम बरदावा। क्या मामला है? मामला ये है कि एक पेड़ लगा हुआ था किस जगह? शीशम का, हमारे घर के बाजू में। वो रात में उसको जो है काटे, और किसने काटा अब वो पता नहीं किसने काटा। अज्ञात चोर काटे उसको, और काटने के बाद जो है घर पे गिरा के और भाग गए। तो घर पे गिरा, कितने नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान जो है, छत टूट गया है, 2 लाख रुपए नुकसान है। तो कहीं सूचना दी इस संबंध में? अभी कुछ नहीं, सूचना नहीं हुआ है। मौके पे कोई आया है क्या? मौके पे जो है सिपाही आए थे, और कुछ पब्लिक आदमी थे, सब लोग यहाँ पे। वही तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे इसका हमारा जो नुकसान हुआ है वो हम चाहते हैं, पता चाहते हैं कि कौन काटा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।